मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग को आज देखना है, ठीक है। मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना जो आप लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक सब जो इकट्ठा किए थे हम लोग कल, है ना, उसमें बस एक रह गया था है ना, वाइल्ड एलील और म्यूटेंट एलील का वर्ड रह गया था, हिटरोसिस का बात रह गया था जी, ठीक है। मेन क्लास ये होगा, ठीक है। उसके बाद है ना जी, आपको हम लोग इसकी में हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक क्लास का दो तीन टॉपिक रह गया था, उसमें से एक टॉपिक क्या था आपको, है ना, एक टॉपिक था आपको यानी कि टाइप्स ऑफ एलील, है ना, हम लोग फिर से पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एलील देखेंगे हम लोग, ठीक है, टाइप्स ऑफ एलील कैसा होगा वो जानेंगे, ठीक है। उसके बाद है ना हम लोगों इसी के अंदर में हम लोग को ये भी देखना है, टाइप्स ऑफ एलील के बाद है ना हिटरोसिस क्या होता है ये भी देखना है। हिटरोसिस दो बार पूछ चुका है मेडिकल में, है ना, एक बार 2012 में पूछा है, एक बार 2015 या 16 में पूछा था ये क्वेश्चन, है ना, इसको हम लोग देखना है हिटरोसिस क्या होता है, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि आपको मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है ना, उससे पहले हम लोग बेसिक सब इकट्ठा कर लिए थे कल, है ना, हम बता दिए थे आप लोगों को एलील क्या होता है ये हम कल समझाए थे आपको, उसके बाद जीन क्या होता है ये भी समझाया हम आपको, डोमिनेंट जीन क्या होता है ये भी हम लोग देखे थे कल, डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन, है ना, ये दोनों को हम लोग समझे थे। और जब ये दोनों समझा दिए थे तब उसके बाद डोमिनेंट और रिसेसिव जब समझ में आ गया था तब हम लोग इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, ठीक है, उसके बाद हम लोग एलील का टाइप सब देखे थे, है ना। एलील का टाइप में सर क्या था, एक होमोजाइगस था और एक क्या था आपको हेटरोजाइगस था जी। होमोजाइगस एलील किसे कहते हैं और हेटरोजाइगस एलील किसे कहते हैं, ये सब भी हम लोग कल देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था आपको कैरेक्टर क्या होता है ना, उसके बाद फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या होता है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, और जीनोटाइपिक कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, ये भी हम लोग कल बात कर लिए थे कि जीनोटाइपिक कैरेक्टर कैसा दिखता है और फिनोटाइपिक कैरेक्टर कैसा दिखता है, इस सब पे हम लोग बात किए थे, ठीक है। उसके बाद जब ये सब टॉपिक डील कर लिए थे ना, तब हम लोग आपको आज बताएंगे क्या हम लोग आपको, है ना, जब एक बार में आप एक ही कैरेक्टर पे ध्यान देते हैं, जैसे कोई प्लांट है उस प्लांट में आपको बहुत सारा फीचर होता है, जैसे एक पेड़ में जो हम लोग देख रहे हैं उसका टॉल भी है, ये उसके अंदर में आपको सीड राउंड भी है, ठीक है, और कलर येलो भी है, बहुत सारा फीचर हो गया है ना, येलो है फिर उसके बाद राउंड सीड है, और उसके बाद ये जो देखते हैं हम लोग शेप भी है, शेप फ्लैटेड भी है ना, फ्लैटेड भी है, ये सब जो देख रहे हैं सर, ठीक है, इस सब में हम लोग देखने के बाद भी हम लोग ये सब फीचर देखे, बहुत सारा फीचर है, एक दो तीन और चार फीचर है, लेकिन आप गौर कर रही हो कि इसके एक ही फीचर पे, कोई एक फीचर को क्रॉस के लिए हम लोग देख रहे हैं कि अगला पीढ़ी में ये टॉल वाला फीचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वॉट एवर आवे उससे कोई फर्क नहीं, बस टॉल वाला फीचर अगला जनरेशन में आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक करते हैं। द स्टडी ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड, है ना, जब आप पढ़ते हैं स्टडी ऑफ, है ना, स्टडी ऑफ है ना ओनली वन फीचर, है ना, ओनली वन फीचर, है ना, एक फीचर पढ़ते हैं, ओनली वन फीचर, है ना, इज कॉल्ड, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड, इसको हम लोग नाम देते हैं मोनोहाइब्रिड के नाम से, बुलाते हैं, और क्रॉस बिटवीन मोनोहाइब्रिड इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अगर आपको क्रॉस होगा, क्रॉस बिटवीन, है ना, मोनोहाइब्रिड, है ना, मोनोहाइब्रिड के बीच में जो क्रॉस होगा, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको हम लोग नाम देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से बुलाते हैं। देखना, ध्यान देना, एनसीईआरटी भी ध्यान दिया इस बात को, पहले मोनोहाइब्रिड समझाया है, अब मोनोहाइब्रिड जैसे बंदे में क्रॉस होगा तब इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये एक मोनोहाइब्रिड हुआ, है ना, और ये दूसरा मोनोहाइब्रिड हुआ, ये दोनों मोनोहाइब्रिड समझ रहे, एक ही कैरेक्टर लेना है, ठीक है। जब इसके बीच में जब क्रॉस होगा, है ना, इस क्रॉस को हम लोग क्या नाम देंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। ये बात हम लोग कल बता दिए थे आपको, ठीक है, सॉरी अभी बता रहे हैं मोनोहाइब्रिड, यही बात आपको लगा कि नहीं, हम एक बार में दो दो फीचर पे ध्यान देना है, एक टाइम एट ए टाइम में हम लोग को दो फीचर को कंसिडर करना है, तो इस केस में हम लोग क्या लेंगे, हम लोग डाईहाइब्रिड मान के चलेंगे उसको, ठीक है। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या हम कह रहे हैं कि एक पेड़ में तुम टॉल भी देख रहे हो आप, और साथ साथ है ना आपको राउंड शेप भी देख रहे हैं, ठीक है, राउंड 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 शेप भी देख रहे हैं, और साथ साथ क्या देख रहे हैं, टॉल भी देख रहे हैं जी। अब ये दोनों एक फीचर को एक साथ लेके चलते हैं, है ना जी, दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, डाईहाइब्रिड के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। डाईहाइब्रिड समझ में आ रहा ना, उसका डाईहाइब्रिड में जब क्रॉस होगा, ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं हम लोग, डाईहाइब्रिड क्रॉस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस के नाम से बुलाते हैं जी। दिमाग लगा रहा है क्या बोलना चाहते हैं, दो तरह का बात हो रहा है यहाँ पे, उसी तरह से तीन देखे थे, ट्राईहाइब्रिड चार है, टेट्राहाइब्रिड, ऐसे करते करते पेंटा और पॉलीगोनल हो जाता है या पॉलीहाइब्रिड हो जाता है जी, ठीक है। पॉलीहाइब्रिड सब पे भी हम लोग को रिसर्च करना है जी, ठीक है, ये सब बात है, है ना। उसके बाद हम तुम लोग को बता रहे थे बेसिक में, आप थोड़ा सा ही रह गया बेसिक, देखिए नेचर में जो जीन मिलता है ना, डीएनए फाउंड इन नेचर, है ना, इस कॉल आपको हम लोग क्या नाम देते हैं, इस सबको हम लोग जो नेचर में पाया जाता है जीन है, उस सबको हम लोग क्या नाम देते हैं सर हम लोग, ठीक है, इस सबको हम लोग नाम देते सर आपको वाइल्ड एलील के नाम से लाते हैं, ठीक है। फिर से एलील देखिए आज, है ना, कल देख रहे थे फॉर्म के आधार पे, आज देख रहे हैं अकरेंस के आधार पे, पाए जाने के आधार पे, है ना, अकरेंस के आधार पे दो तरह का एलील होता है, एक क्या होता है सर आपको वाइल्ड एलील होता है ना, एक क्या होता है सर आपको म्यूटेंट एलील होता है जी, ठीक है, म्यूटेंट एलील आपको दिखाई देता है जी, ठीक है। पॉइंट क्या है सर आपको वाइल्ड एलील को लेकर के, है ना, अगर आप
है ना, कोई इलाका में वाइल्ड एलील की बात करते हैं, ठीक है, जो नेचुरली बनता है, नेचुरली अकरिंग जीन, है ना, नेचुरली, है ना, नेचुरली, है ना, अकरिंग जीन जो देखते हैं हम लोग, है ना, अकरिंग जीन जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, वाइल्ड एलील के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। जैसे देखिए हम लोग नेचर से तैयार हुए हैं, नेचुरली तैयार हैं, हम लोग को लैब में नहीं तैयार किया गया है, तो हम लोग नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, हम लोग को क्या माना जाएगा, वाइल्ड एलील माना जाएगा हम लोग को, है ना। जो आपको आर्टिफिशियली तैयार किया गया, लैब में तैयार किया हो, गामा रे की मदद से तैयार किया गया हो, या किसी और तरीके से केमिकल खिला करके तैयार किया गया हो, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, म्यूटेंट एलील के नाम से। सर क्या पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जब कभी भी क्वेश्चन में लिखा रहे वाइल्ड एलील, तब आपको डोमिनेंट मानना है, ठीक है, रिसेसिव नहीं मान सकते। जनरली ये क्या होता है ना, जनरली, है ना, जनरली ये डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होता है, जनरली क्या देखते हैं हम लोग, डोमिनेंट दिखाई देता है, ठीक है। वही जगह पे अगर आप लैब में कोई चीज तैयार करते हैं, है ना, तो ये आपको लैब मेड होगा, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वाइल्ड म्यूटेंट एलील के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और ये जनरली क्या होता है ना, जनरली, है ना, जनरली ये देखते हैं हम लोग, ये रिसेसिव दिखाई देता है, ठीक है, रिसेसिव में ये आता है, ठीक है। दो बात हो रही है ना, एक होता है वाइल्ड एलील, है ना, एक क्या होता है ना, कुछ आ रहा है क्या, ध्यान देते रहना इससे भी, ठीक है, बहुत बच्चा सब मैसेज भेजता रहता है, ठीक है। तो वाइल्ड एलील हुआ, एक क्या हुआ आपको, म्यूटेंट एलील आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दो तरह का एलील आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जी। दिमाग लगा रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन जैसे समझे देना, और लिखा आपको ए, है ना, ए वाइल्ड टॉल, है ना, वाइल्ड टॉल क्रॉस विथ, है ना, क्रॉस विथ, है ना, क्रॉस विथ म्यूटेंट ड्वार्फ, है ना, म्यूटेंट म्यूटेंट ड्वार्फ, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा, है ना जी, तब क्या करोगे, ठीक है। तो देखो वाइल्ड टॉल लिखा रहा है, डायरेक्टली टी कैपिटल टी लिख देंगे, है ना, है ना, उसके बाद इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग, है ना, स्मॉल टी, स्मॉल टी लिख देंगे, ठीक है। दोनों क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, ऐसे बना देना है, ठीक है। वाइल्ड लिखाओ तो पूरा कैपिटल, प्योर लाइन की ही बात कर रहे हैं सर आप, प्योर लेसन बोलते हैं ना, कल बोले थे ना प्योर लाइन, प्योर टॉल बोलेंगे तभी यही बात था ना, प्योर टॉल लेंगे तभी कैपिटल टी लेंगे, प्योर ड्वार्फ लेंगे, है ना, प्योर ड्वार्फ, है ना जी, तभी क्या होगा सर आपको, है ना, प्योर ड्वार्फ, है ना, इसको हम लोग क्या मानेंगे, स्मॉल टी मानेंगे। वही बात यहाँ पे भी है, कह देगा कि पॉलीडेक्टाइली एक, है ना, म्यूटेंट एलील है, तो पॉलीडेक्टाइली एक म्यूटेंट एलील है, इसका मतलब म्यूटेंट सब लगा, इसका मतलब स्मॉल पी लेना है। क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया था कि भाई डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, तुमको शब्दों से पकड़ के आपको बताना लगाना होगा कि म्यूटेंट क्या होता है। जैसे मान लिया हम लोग दे रहे हैं पॉलीडेक्टाइली, पॉली मतलब छह उंगली निकल जाना, हाथ में या पैर में जब छह उंगली निकलता है तो उसको हम छठा उंगली को हम लोग पॉलीडेक्टाइल बोलते हैं, तो पॉलीडेक्टाइली जो है ना, पॉलीडेक्टाइली इज अ म्यूटेंट एलील। आप तुम कहोगे सर हमको तो कभी पढ़ा नहीं म्यूटेंट, मतलब ये पॉलीडेक्टाइली, है ना, लेकिन आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को कैसे, म्यूटेंट शब्द को पकड़ करके, इसका मतलब सर स्मॉल पी मानना है, जो भी मानिए, है ना, स्मॉल डी भी मान सकते हैं, क्लियर हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात था एक बेसिक, ये भी गया। अब देखिए नेचर में मेंडल बोलता था क्या, कभी भी दो अलग अलग डीएनए एक साथ कंबाइन नहीं हो सकता है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक डीएनए अलग फीचर को बता रहा है, दूसरा डीएनए अलग फीचर को बता रहा है, मतलब उसने एपिस्टासिस जैसे टर्म को गायब करवा दिया था। मेंडल बोलता था कि अगर आपको टॉल को क्रॉस कराना है तो सामने में भी क्या होना चाहिए, हाइटी का कोई बंदा होना चाहिए, हाइट में जो हो जाए, टॉल हो जाए या ड्वार्फ हो जाए, इससे मतलब नहीं है, पर आपको होना चाहिए तो हाइट से ही रिलेटेड कोई होना चाहिए, ठीक है, दूसरा कोई आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आप टॉल बोलते हैं तो सामने में भी हाइट का ही मतलब होना चाहिए, अगर आप यहाँ राउंड लिख दिए ना, राउंड सीट, ये गड़बड़ हो गया, ये कभी बच्चे को जन्म नहीं देगा, नियम ये कहता है मेंडल, है ना, मतलब आपको कभी टॉल का क्रॉस होगा तो सेकंड साइड में भी टॉल होना चाहिए, या नहीं तो ड्वार्फ होना चाहिए, या नहीं तो सर हाइट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी होना चाहिए, इसी तीनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। अगर इसमें से कोई एक चीज गायब है सर, मतलब यहाँ पे को लगा सर इस जगह पे ये लिख सकते हैं क्या ग्रीन, आपको ग्रीन कलर, नहीं ये क्रॉस सही नहीं माना जाएगा, ये होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे देखो ना डीएनए टॉल का है तो यहाँ भी टॉल का डीएनए होगा, समझा, या हाइट का ही ना कोई डीएनए होगा जी, ठीक है। अगर कोई लड़का जबरदस्ती ऐसा करता है, नहीं हम करके दिखा सकते हैं, टॉल को हम लोग कैपिटल आर से क्रॉस करा दे, एक नया चीज बना दे, तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइब्रिड वीगर का नाम चला रहे हैं, हाइब्रिड वीगर, है ना, वीगर में दिक्कत होता है, ठीक है, मतलब कुछ अलग तरह का हाइब्रिड बनाया, हाइब्रिड बनाया है लेकिन इसमें एक अलग तरह का यहाँ पे केस सब डाल दिए जी, ठीक है। इसी घटना को हिट्रोसिस भी कहते हैं, हिट्रोसिस के नाम से बुलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, मान लीजिए एक जो फीमेल हॉर्स है तो हमेशा मेल हॉर्स से ही ना क्रॉस करेगा, फीमेल हॉर्स है ना, और इसका क्रॉस किससे होगा, है ना, मेल हॉर्स से ही होगा, है ना, मेल हॉर्स से ही होगा, ठीक है। बट क्या हुआ, लैब में साइंटिस्ट ने क्या किया, टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्नोलॉजी की मदद से इसका गैमिट अलग निकाला, इसको क्रॉस करा दिया किसके साथ, है ना, डंकी के गैमिट के साथ, है ना जी, मतलब इसमें मेल गैमिट के साथ इसको क्रॉस कराया, जबकि नेचर में कभी नहीं होता, कभी भी डंकी इसके साथ क्रॉस नहीं करा, कि दो अलग अलग स्पेसीज है, दो अलग अलग स्पेसीज, दो अलग अलग डीएनए है दोनों का, पर जबरदस्ती दोनों को मिला करके हम लोग क्या किए, एक ही क्रॉस मिला दिए, है ना। तो इस केस में क्या होगा सर, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आगे जाके सर क्या करेगा, दिक्कत ला सकता है जी, ठीक है, ज्यादा मेरे पास कहना चाहिए, ठीक है। तो इसको जबरदस्ती क्रॉस कराया गया, क्रॉस करना सफल भी हुआ, मतलब सक्सेस भी हुआ, और दोनों क्रॉस करने से क्या बना, म्यूल बना जी, ठीक है, जबकि नियम कहता कि नहीं कभी होना चाहिए था, इसका डीएनए अलग है, इसका डीएनए अलग है,
पर दोनों मैच कर गया, एक नया बच्चा बन गया म्यूल, है ना, ये मेंडल के लॉ को पूरा फेल करवा देगा, ठीक है जी। तो ऐसे केस को हम लोग क्या नाम देते हैं, हिट्रोसिस के नाम से लाते हैं या हाइब्रिड फिगर के नाम से लाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देगा हाइब्रिड फिगर किसे कहते हैं, ठीक है, तो आपका जवाब होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू सुपरफिशियल स्पीसीज, है ना, हाइब्रिड फिगर लिखो एनसीईआरटी में कहीं पे, है ना, हाइब्रिड फिगर क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, बट हम नोट्स में लिखे हुए थे। हाइब्रिड फिगर क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, है ना, टू, है ना, आपको आपको डिफरेंट सुपरफिशियल स्पीसीज, है ना, डिफरेंट, सो ना बहुत अच्छा अच्छा गुण सब, है ना, सुपरफिशियल, है ना, आपको स्पीसीज, दो स्पीसीज के अच्छे अच्छे गुण सबको हम लोग क्या करते हैं, है ना, एक मिलाते हैं, ठीक है, इन्हें इन्हें सिंगल स्पीसीज, है ना, इन्हें सिंगल स्पीसीज, है ना, सिंगल स्पीसीज, है ना, बाय द मेथड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, मेथड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, ये टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद से दो अलग अलग स्पीसीज को मिला करके, है ना, उसको एक एक मिलाते हैं, सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, हेट्रोसिस या हाइब्रिड, सच न्यू स्पीसीज को जो नया स्पीसीज बनेगा उस नए स्पीसीज को हम लोग क्या नाम देंगे, है ना, सच न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड, है ना, इसको हम लोग नाम देंगे हाइब्रिड फिगर, इसको हम लोग नाम देते हैं सर क्या आपको हाइब्रिड, है ना, हाइब्रिड फिगर के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। जा रहा है मेरी बात समझ में, क्या समझता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग, हाइब्रिड फिगर इतना समझाने के बाद आप लोग याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल कौन है, म्यूल है इसका एग्जाम्पल जी, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या देखते हैं हम लोग, म्यूल के तौर पे इसको हम लोग देखते हैं जी, संदर राजन कहना चाहे, ये हाइब्रिड फिगर का एग्जाम्पल है जी, ठीक है। सुबह कुछ अच्छा खास है जैसे हॉर्स स्पेसिस सब होगा, सुपर स्पेसिस, है ना, सुपर स्पेशल स्पेसिस, है ना, स्पेसिस, है ना, स्पेसिस, ये ना इसका लिए देख लेना, ठीक है। उसके बाद, है ना, उसके बाद हम लोग देख रहे थे क्या मेंडल का, ये सब बात कर लिए थे हम लोग, म्यूटेंट एलील भी बात कर लिए, मोनो हाइब्रिड बात कर लिए, डाई हाइब्रिड भी बात कर लिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बात कर लिए, ठीक है, ये सब बात हो गया था जी, ठीक है। रिवीजन के तौर पे हम लोग मेंडल के बारे में क्या क्या पढ़ लिए थे, मेंडल से पहले हेरिडिटी पढ़े हम लोग, फिर उसके बाद इनहेरिटेंस और वेरिएशन पढ़े हम लोग, और वेरिएशन के बाद मेंडल का कहानी सुने थे, मेंडल क्यों आपको मटर का पौधा लिया था वो जाने थे, मेंडल ने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 3 क्रोमोसोम को ध्यान में रखते हुए लिया था, और उसने उसके बाद, है ना, बेस थ्योरी सर 4 क्रोमोसोम के ध्यान में रखते हुए लिया था, बेसिक जो था उसने दिया था आपको कि अलील क्या होता है, जीन क्या होता है, फैक्टर क्या होता है ना, ये सब समझाया था, लोकस लोकी, है ना, ये सब समझाया था। उसके बाद, है ना, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस फॉर्म बताया था, फिर उसके बाद, है ना, आपको, है ना, आपको जीनोटाइप फिनोटाइप ये सब समझाया था, है ना, उसके बाद मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड प्योर लाइन हेटेरोसिस, तो ये उसके मेंडल के बाद का एक्सेप्शन है, है ना, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट को लिखते हैं कैपिटल लेटर में, रोमन लेटर में, है ना, उसके बाद रिसेसिव को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, रोमन ही लेटर में वो भी रहता है। अब इसके बाद हम लोग को, है ना, आप क्या समझना है आज की क्लास में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया था जी, ठीक है, इसमें, है ना, समझने के बाद बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाना है, एक दो चेक भी कर लेंगे न्यूमेरिकल सब सही है कि नहीं, ठीक है, ऐसा पे, है ना, मतलब, है ना, यूनिट मेथड वाला न्यूमेरिकल सब पूछता रहता है जी, ठीक है, इसको भी देखना है हम लोगों को, ठीक है। पॉइंट क्या है कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, आप लोगों को हम पढ़ाए हुए मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वही सब सुनते हैं, मोनोहाइब्रिड, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसकी बात कर रहे हैं जी, ठीक है। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें उसने क्या लिया था, एक तरफ प्योर टॉल लिया था उसने, प्योर टॉल प्लांट लिया था, और एक तरफ क्या लिया था उसने, प्योर ड्वार्फ लिया था जी, ठीक है, प्योर ड्वार्फ लिया था जी, ठीक है, मतलब मेंडल ने दो तरह के प्लांट को ये अडॉप्ट किया था, प्योर टॉल और एक क्या था आपको, प्योर ड्वार्फ, है ना जी, प्योर टॉल लिया था एक तरफ क्या लिया था, प्योर ड्वार्फ लिया था जी, ठीक है। प्योर टॉल, है ना सर, आपको क्रॉस करने के लिए एक को मेल मान लो तुम, है ना, एक को क्या मान लो, फीमेल मान लो तुम, आप रियल में पिक्चर देख रहे हो तो ऐसा कुछ होगा, है ना, कि इसमें एक प्लांट था उसका ये साइड, है ना, आपको कैपिटल टी वाला है, है ना, एक प्लांट ऐसा है जिसमें आपको स्मॉल टी है, उसका फीमेल ले रहे हैं, इसका मेल को हम इमैस्कुलेट करके हटा देंगे जी, ठीक है, कट करके हटा देंगे, ये जो प्लांट देख रहे हैं इसमें क्या स्मॉल टी वाला डीएनए है जी, ठीक है, एक तरफ प्योर टॉल होगा, एक तरफ क्या, प्योर ड्वार्फ होगा। मोनोहाइब्रिड है तो भाई एक ही फॉर्म के दो जीन होता है ना, मतलब एक एक विकल्प के एक हाइट के लिए क्या हो, दो विकल्प होगा ना, मतलब कैपिटल टी इधर भी क्या होगा सर, स्मॉल टी ड्वार्फ कलम बताए थे, ये रिसेसिव फीचर होता है, और टॉल क्या है सर, आपको डोमिनेंट फीचर है जी, ठीक है। मेंडल एक्सपेरिमेंट करके लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराएंगे उसका मीडियम हाइट का बच्चा पैदा होगा, मतलब ना ज्यादा टॉल होगा ना ज्यादा ड्वार्फ होगा जी, ठीक है, उसका मीडियम हाइट का होगा। पर ये मेंडल जब एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के बाद जब एक्सप्लेनेशन दिया तो उसको एकदम डेविएटेड आंसर आया, मतलब आंसर है उल्टा आ गया, वही अब उसी को एक्सप्लेन किया है मेंडल, है ना, समझा राजन क्या बोलना चाह रहे हैं। मेंडल ने देखा होगा सर इसमें पहले गैमिट बनता है, हम सब जानते हैं कि जब भी देखिए ये एक टी क्या बता रहा है, एक क्रोमोसोम को बता रहा है, ये भी दूसरा क्रोमोसोम को बता रहा है, ये एक क्रोमोसोम को बता रहा है, ये दूसरा क्रोमोसोम को बता रहा है जी, ठीक है। इधर भी एक कैपिटल टी हो जाएगा, एक इधर भी कैपिटल टी हो जाएगा, इधर एक स्मॉल टी हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, अब एक स्मॉल टी हो जाएगा, दिमाग लगा राजन क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इस हिसाब से दो, है ना, कैपिटल टी आ जाएगा,
और दो क्या जाएगा सर आपको स्पॉन्टेनियस गैमिट बना जी। अगर मेल है तो ये मेल गैमिट बना होगा है ना, और ये आपको क्या फीमेल है तो फीमेल गैमिट बना होगा ठीक है। अब हम आपको ये भी बताए हुए हैं जब दो यहाँ मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग जी ठीक है, मतलब एक कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं, ये थोड़ा हम कहेंगे नंबर गिन रहे कि एक बच्चा पैदा लगे तो ये भाई लाखों करोड़ों स्पर्म बना सकता है, लाखों करोड़ों गैमिट बना सकता है जी ठीक है। पर हम लोग को तो देखना है कैसे तरह का डीएनए वाला बच्चा पैदा लगेगा, यही फील करना आप लोग को, ये फील हो गया ना तो जानिए पेडिग्री एनालिसिस आपके लिए बच्चा वाला बात होगा है ना। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लड़का और ऐसा लड़की हम लोग के नेचर में मिलेगा ठीक है, तो उसके बच्चे कैसे होंगे वो बताया जा रहा है ठीक है। ये नहीं बताया जा रहा कितने बच्चे पैदा लेंगे है ना, ये होगा कितने तरह के बच्चे पैदा लेंगे ये बताया जा रहा है ठीक है। अगर आप देख रहे हैं दोनों में डीएनए सेम है, स्पर्म इसके ओवम के साथ इसके साथ मिले या इसके साथ मिले, दोनों केस में इसका बच्चा जो है ना कैपिटल टी स्मॉल टी में पैदा होगा है ना जी। कुल अगर कैसे हम इसको लेना चाहते इसके साथ है ना जी, तभी तो वही बात है ना, आसपास आसपास में थोड़े फ्यूज कर रहा है, सेम चार्ज में ना फ्यूज करने देगा है ना, जाएगा तो ओवम के साथ ही जाएगा। अब ओवम जाएगा तो सर अगर इसके साथ जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, मतलब कहना मतलब एक बार बच्चा जन्म दिया, मतलब एक माँ बाप माँ ऐसी थी यार, मतलब पिता ऐसा था माँ ऐसी थी ठीक है, उसका कितनों बार बच्चा पैदा ले ठीक है, मतलब फर्स्ट जनरेशन हो यानी पहला बार बच्चा ले, पहला बेटा या दूसरा बेटी हो या तीसरा बेटा या बेटी हो, सबका डीएनए कैसा होगा ऐसा होगा जी ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये समझाना चाह रहा है यहाँ पे ठीक है। और कैपिटल टी स्मॉल टी जो आएगा इसको हम लोग क्या मानेंगे, एफ1 जनरेशन है ना, एफ1 जनरेशन माना जाएगा इसको है ना। और एफ1 जनरेशन का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है फर्स्ट फिलियल जनरेशन है ना, फर्स्ट फिलियल जनरेशन के तौर पर हम लोग देखते हैं जी ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई एफ1 जनरेशन है ना ये किसके जैसा दिख रहा है, आपको जवाब देना वन ऑफ द पेरेंट जैसा दिख रहा है, किसी एक पेरेंट जैसा दिख रहा है, क्योंकि हम कल बताए थे आपको एक भी क्या आएगा उसी का ना बात माना जाएगा जी ठीक है, यही टॉल होगा जी। मतलब जब उसने प्लांट को सीड किया होगा ना मेंडल ने, तो देखा भाई ये तो सब अपना ही जैसा दिख रहा है, मतलब सब टॉल ही दिख रहा है जी ठीक है, सबके सब क्या बना टॉल बना, यही उसके लिए कंफ्यूजिंग लाइन था कि भाई मीडियम हाइट का क्यों नहीं आया ठीक है, जब टॉल एंड ड्वार्फ को कंबाइन कर रहे हैं तो बीच का हाइट का बच्चा पता लेना चाहिए, यहाँ पे एकदम परफेक्ट टॉल क्यों दिख रहा है ठीक है। तो अब यहाँ पर स्ट्रेस लेगा ना मेंडल, सोचेगा ना कि भाई स्मॉल टी लगता गायब हो गया या स्मॉल टी लगता कैपिटल टी में बदल गया होगा, या स्मॉल टी हो सकता है सर आपको नहीं सर दब गया हो, यही तीन आंसर होगा ना इसका, यही तुमसे क्वेश्चन पूछेगा मेडिकल है ना, क्वेश्चन क्या पूछेगा मेडिकल में ठीक है, कि अगर आपको एफ1 जनरेशन करवाया गया क्रॉस अकॉर्डिंग टू मेंडल स्मॉल टी का साथ क्या असर हुआ होगा है ना, स्मॉल टी क्या होगा आपको चप गया होगा मतलब सप्रेस कर दिया गया होगा, या स्मॉल टी अपने आपको कन्वर्ट कर लिया होगा कैपिटल टी में है ना, देखता है इसको देख करके अपने आपको भी कैपिटल टी में बदल दिया हो, ये भी हो सकता है। और या तो स्मॉल टी क्या हो गया सर आपको नहीं कि सर आपने आपको है ना मतलब अपने आपको क्या सर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, या आपको डेविएट कर गया होगा किसी और चीज में बदल गया होगा ठीक है, या गायब हो गया होगा जीरो हो गया होगा ठीक है, मतलब ड्रॉप्स कर गया होगा गायब हो गया होगा ठीक है, चार ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन तुमको किसका ऑप्शन है, पहला वाला जो बोले सप्रेस कर दिया गया होगा ठीक है, मतलब दबा दिया गया होगा सर इसको काम नहीं करने दिया गया, क्यों नहीं काम करने दिया होगा इसी बुक में जवाब मिलेगा, आप जब बीच में लेके आएंगे तो डोमिनेंट डोमिनेंट क्यों है और रिसेसिव रिसेसिव क्यों है इसका जवाब दिया जाएगा आप लोगों को। बट अभी ये देखो अभी तुम्हारे में थाउट चलेगा, अभी तो तुम लोग माइक्रोस्कोप था ना उस टाइम 1856 की बात है, वो तो कुछ अपना प्रिडिक्शन लगा रहा हो ना कि भाई कैसे हो गया होगा, अब ना हम लोग देख लेंगे सर यहाँ पे दोनों का डीएनए अलग अलग है तो इसका मतलब है ना ये दब गया होगा ये काम कर रहा होगा जी ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं पता है कि स्मॉल टी हुआ कहाँ गया कहाँ, तो ये मैथमेटिकल प्रिडिक्शन लगा करके दिमाग लगा लेंगे भाई अगला स्टेप में क्या होगा इसके साथ है ना जी, जा रहा मेरी बात समझ क्या बना चाह रहे हैं, मतलब स्मॉल टी क्यों नहीं आया है ना इससे आप तलाश होगा जी ठीक है। ये बच्चा टॉल बना मतलब नियम कर रहा है हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का नियम है या हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट नियम की दोनों का मीडियम होना नहीं कहते, इसका भी कैरेक्टर आना चाहिए इसका भी कैरेक्टर आना चाहिए, लेकिन आ रहा है वन ऑफ द वन फीचर आ रहा है, यही मेंडल के एक स्ट्रेस पॉइंट था है ना जी। ये एफ1 जनरेशन की बात चल रहा है जी ठीक है, समझा रहे हम क्या होना चाहिए ठीक है। उसके बाद मेंडल ने क्या किया है ना जी, देखिए अपने में जब क्रॉस करते ना सारा डीएनए बाहर आ रहा है, अगर आपको सारा डीएनए को एक्सप्लॉइट करना है सारा डीएनए को बाहर निकालना चाहती हो तो उसके लिए ना सेल्फिंग कराना पड़ता है ठीक है। अगर सेल्फिंग हो जाएगा तो सर अपने में क्या होगा सर आपको अगर सेल्फिंग होता है ठीक है तो ये आपको क्या होगा सर अपना सारा डीएनए आपको एक्सप्लॉइट हो जाएगा, सेल्फिंग मतलब सेम तरह के डीएनए में क्रॉस है ना, ऐसा देखो ये तो बाइसेक्सुअल प्लांट है ना, बाइसेक्सुअल तो मेल फीमेल देखी पे ना होगा, अगर जो दोनों में क्रॉस करके जो सीड बना हुआ देखो इसका जब इस पे गिरा होगा तो सीड कैसा बना होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी को जब अपने में क्रॉस अगला जाके ये पेड़ लगेगा ये क्या हो जाएगा बाइसेक्सुअल था ना, ये आपको मेल फीमेल मेंडल अगला स्टेप में क्या है तो दोनों को बैक कर देता है इसको इसके जाने के लिए कहता होगा ठीक है। अब देखिए ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी क्या कैपिटल टी स्मॉल टी है जी, दोनों क्या कैपिटल टी स्मॉल टी है, जब दोनों के दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दोनों क्रॉस करने बाद कैसा बनता है, अब इस पे हम लोग अब डिबेट होगा। अब सर आप सेल्फिंग ही क्यों करा मेडिकल ये भी पूछा व्हाई मेंडल डू सेल्फिंग है ना, व्हाई नॉट अदर मेथड आपको यूज फॉर द मेंटल डिटरमिनेशन ऑफ है ना आपको लिखिए डीएनए टाइप है ना जी। तो जवाब दें सेल्फिंग करने से वो सारा डीएनए एक्सप्रेस कर जाता है जो है ना उसके अंदर में छुपा होगा जी, समझा रहे मतलब अंदर का नहीं कदर हम हो जाएगा जीन भी बाहर आ जाता है ना सेल्फिंग कराने से है ना। अब देखिए इसको जब क्रॉस करा इसने मेंडल ने F1 को F1 से क्रॉस किया, कैपिटल टी को स्मॉल टी से और कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराया जी ठीक है। इसमें भी क्या होगा सर गैमिट बनेगा ना, गैमिट मतलब पहले स्टेप में क्या बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद गैमिट बनता है, इसका मतलब क्रॉस हो रहा है क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है पहला स्टेप में क्या बनेगा जी गैमिट का फॉर्मेशन होगा, और जब गैमिट का फॉर्मेशन इधर भी कैपिटल टी होगा स्मॉल टी होगा, इधर भी क्या होगा कैपिटल टी और
स्मॉल टी होगा जी, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं जी, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, है ना, और यहाँ पे भी देख रहे हैं जी, आ रहा है जी, देखो तो इसमें आ रहा है, है ना जी, कैपिटल टी स्मॉल टी है, इधर भी क्या कैपिटल टी स्मॉल टी है जी, ठीक है। ये आपको गैमिट बनाएगा, गैमिट बनाएगा तो क्या होगा सर, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इधर भी क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बदल जाएगा, ठीक है, पहले प्रोबेबिलिटी जाएगा एक ही तरह का होने का, पर अब यहाँ देखिए सर, ये इसके साथ भी जा सकता है ना, जब ये इसके साथ जाएगा तो कैसा बच्चा बना लेगा, कैपिटल टी टाइप का हो जाएगा, है ना, फिनोटाइपिक जब कैरेक्टर लिखेंगे टॉल आया, फिर ये इसके साथ भी तो जा सकता था सर, जब इसके साथ जाएगा क्या लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे, है ना, फिर ये इसके साथ भी तो जा सकता था, जब इसके साथ जाएगा क्या लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे, ये इसके साथ जाएगा तो क्या होगा स्मॉल टी होगा जी, समझा रहे क्या होता है, ये मतलब ये चार तरह प्रोबेबिलिटी हो सकता है ना जी, ठीक है, चार में तो दो तरीके जैसा दिख रहा है जी, ठीक है। पहले पर जी मतलब ऐसा मेल और ऐसा फीमेल मिलेगा उसके बच्चे है ना इसी तीन तरह के डीएनए में पैदा लेगा, है ना, या दो तरह के आपको फिनोटाइपिक फीचर में पैदा लेगा, मतलब टॉल ये तो डॉर्फ होगा जी, दिमाग राजम क्या बना चाहे, ठीक है, मतलब एक माँ बाप के अगर कोई ऐसा डीएनए, माँ का ऐसा डीएनए, पिता का ऐसा डीएनए हो, ठीक है, मतलब पति का ऐसा डीएनए हो, ठीक है, तो दोनों जब क्रॉस होगा तो उसका अगला जो पीढ़ी आएगा ना सर, एक बच्चा जन्म ले या पांच बच्चा जन्म ले या छह बच्चा जन्म ले, तो सबका डीएनए इसी तीनों में से कोई एक होगा, संदर जम क्या चाहे, या तो ये डीएनए वाला होगा, या तो ये डीएनए वाला होगा, या नहीं तो सर ये वाला डीएनए आपको दिखाई देगा जी, संदर जम क्या चाहे, ठीक है, मतलब या तो क्या होगा सर आपको टॉल होगा, या तो क्या होगा इस तरह का या इस तरह का जी। अगर आप फिनोटाइपिक रेशियो लिखते हैं इसका, हम लोग इसका अगर फिनोटाइपिक रेशियो लिखेंगे, है ना जी, तो फिनोटाइपिक रेशियो के हिसाब से देखा जाए, इसमें सर आपको क्या टॉल का और आपको ड्वार्फ का रेशियो देखिए, टॉल और ड्वार्फ का रेशियो देखते जी, ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ का रेशियो देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर आपको 3:1 क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा जी, ठीक है, संदर्भ का मतलब इसका ये मतलब नहीं कि सर तीन बच्चे लॉम्बे पद लेंगे, एक बच्चा वन, यहाँ ये करा कि परसेंटेज 75% चांस है टॉल होने का, एक बार में कोई भी लड़का लड़की मिलता है तो सर उसमें कोई भी बच्चा पैदा ले सकता है, जैसे सिक्का उछालते ना तो हेड आने का संभावना 50% होता है, टेल आने का भी संभावना 50%, अगर पॉइंट सही हो और सरफेस भी सही हो, पॉइंट में दोनों तरफ हेड टेल लिखा होना चाहिए, ये भी बात सही है, एक बार लड़का ये लड़का पूछ दिया था कि टेल आना हेड आने का ऐसे से संभव हो जाए, उसमें पहले हेड टेल लिखा भी तो होना चाहिए पॉइंट पे, और सरफेस भी तो आपको एकदम प्लेन होना चाहिए ताकि जब पॉइंट को फ्लिप करेंगे तो खड़ा ना हो जाए सिक्का, है ना जी, समझा ना जी कहना चाहे, यहाँ बात भी यहाँ भी वही बात है, अगर ऐसा लड़का और ऐसी लड़की होगा तो सर टॉल एंड ड्वार्फ कोई भी बन सकता है, पहला बच्चा भी उसका बोना हो सकता है, एक कोई बच्चों से सोचता क्या कि पहले तीन को लंबा होगा तब चौथा बोना होगा, ऐसा नहीं है जी, ठीक है, कोई भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है, चांसेस बता रहा है कि सर 75% चांस इसको टॉल होने का और 25% चांस क्या इसको ड्वार्फ होने का जी, समझा, एक बार में एक ही बच्चा पैदा होगा ना हम लोग के केस में, लेकिन सर उस एक केस में सर क्या 75% चांस है लंबा पैदा होने का, मात्र 25% चांस क्या इसको बोना पैदा होने का जी, दिमाग लगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना ऐसा मैथ, अभी हम क्वेश्चन देंगे मैथ जैसा, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब डीएनए की बात करो, ऐसा डीएनए और इस तरह का डीएनए होने का कितना चांसेस है, जीनोटाइपिक की बात कर रहे हैं हम, जीनोटाइप में अंदर का बात किया था ना कल, है ना, जीनोटाइप में जो देखते हैं हम लोग, है ना जी, और आपको कैपिटल टी ले एक कैपिटल टी स्मॉल टी ले और एक स्मॉल टी ले, है ना, इस दोनों में किस तरह का डीएनए आपको आने का संभावना है जी, ठीक है, इसमें आप देखिएगा, है ना, इसमें आपको क्या देखते हैं, आपको ऐसा डीएनए आने का एक ही संभावना है, चार में से आपको कितना बच्चा ऐसा दिखना चाह रहा है, ठीक है, एक तरह का दिख रहा है, वही तरह से आप जब इसको देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी में देखिएगा, इसमें कितना दिखाई देगा सर आपको, दो आपको चांसेस है ना, और एक कितना चांस है, एक चांसेस है, इससे क्या फील कर रही हो, अगर हम पाई चार्ट बना के देखेंगे तो सर इसमें हमको 50% चांस है कैपिटल टी स्मॉल टी होने का, 25% चांस है कैपिटल टी होने का, 25% चांस है स्मॉल टी होने का जी, जा रहा जी बात समझ क्या चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, ये एक पैटर्न है जिस पैटर्न के आधार से हम लोग समझ सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये मैंने तो यही ना बोला था, भले मैं मटर के पौधा पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन ये मेरी बात है सारी दुनिया के हर एक स्पेसिस पे लागू हो जाएगा, मतलब ह्यूमन बींग पे भी लागू हो जाएगा, लग रहा जी दिमाग क्या चाहिए, ठीक है, इसको कुछ आ रहा नहीं रहा है, ठीक है, वो भाई चेक कर रहा अंदर में बैठा हुआ सिस्टम ऑपरेटर जा रहा था ना, नहीं अंदर में है, आवाज आ रहा है, हेलो ठीक है, ठीक है, बंद नहीं होगा, ऑफलाइन भी आते रहिएगा, ठीक है, दिक्कत ना, अरे तो वो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, यहाँ तक कोई ऐसा तो पढ़ा हुआ है, मन तो करता है प्लांट पढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्या प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाना शुरू कर देते, क्या वही जो तो छोटा वाला नहीं दो चैप्टर है ना, क्या हाँ इसे नहीं इसको ही पढ़ाएंगे, उसको भी पढ़ाएंगे, तो उससे वही 9-15 है ना उसको भी पढ़ा देंगे, वही पढ़ा देंगे उसको 10-15 से पढ़ा देंगे, चले कुछ बच्चा तो बहाना चाहिए सर जी, ये मतलब बंद कर दें ऑनलाइन पढ़ाएंगे इसलिए नहीं आएंगे, ठीक है, बहुत बच्चा बहाना ढूंढता रहता है कैसे सर का पीछा छोड़े, 12th का बच्चा सब खेतर होता है ना, पास करेगा उसको तो जोश आया रहेगा कि हमको कहाँ जाना, कोटा वोटा जाना है, रिकॉर्ड हो रहा है सुनेगा,
ना अच्छा लगेगा गायब है ना, पूरा दम अच्छे से डेडिकेटेड होकर के घर पे बैठा होगा है ना। तो पॉइंट है, सुन ले तो क्या कर लेगा है ना। तो यहाँ पे बात बात करते हैं हम लोग क्या इस पे आपको है ना, जो बैठा है ना वहाँ पे चकजरा वाला जो था सारा लबरा समीर, हाँ समीर हाँ लबरा है ना, वो आ भी गया तो क्या उखाड़ लेगा, उससे होगा है ना। अभी भी फेवरेट है, तुमसे तो ज्यादा अच्छा है ना, है ना। थिएटर भी है, हम तो उसको थिएटर उसमें उसको क्या ना उसका नाम समीर है ना, उसको देख के वही खुन्नस आ जाता है, इसके मोहल्ला में जो सराय वाला जो समीर है उसका, पर लक्षण इसमें है ना, नहीं कहते बार बार हम बार बार वही बोलते ना, नाम समीर है उसके पास है ना, और थिएटर वाला लक्षण इसमें है ना। उसको देखते तो वो खून खोलता है उसके नाम से है ना। चले तो उसके बाद देख रहे थे हम लोग है ना, वर्ल्ड लेवल में बेइज्जती हो रहा है ना। तो है ना पब्लिक में डाल देंगे ना, वर्ल्ड लेवल पे आएगा है ना, समझ रहे बच के रहना, नहीं तो फिर बहुत बेइज्जती हो जाएगा, ढूंढेगा कौन है साइफा साइफा है ना, सफक है ना, है ना जी सफक है ना जी, इसलिए अपना बच के रहना। हाँ नाम ले लिए काम ये बच जाएगा है ना, समझे। तो हम बता रहे थे कि आपको यहाँ पे है ना कि एक ये हो गया है ना जी, याद तक गया कोई दिक्कत है, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ ए प्लांट है ना, इफ ए प्लांट प्रोड्यूस है ना, प्लांट प्रोड्यूस तो यहाँ देखो क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए बनाइएगा, ए प्लांट प्रोड्यूस 1200 सीड है ना एट एफ टू जनरेशन, एट एफ टू जनरेशन, एफ टू जनरेशन बिना पेन चलाए बनाना इसको एफ टू जनरेशन है ना, इफ है ना देयर प्योर लाइन, देयर आपको प्योर लाइन पेरेंट, प्योर लाइन पेरेंट जो था है ना, प्योर लाइन पेरेंट जो था है ना इज कैपिटल टी है ना एंड स्मॉल टी है ना, देन व्हाट विल बी द, व्हाट विल बी द, व्हाट विल बी द है ना आपको जीनोटाइपिक फॉर्म, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ जीनोटाइप, व्हाट विल बी द है ना परसेंटेज ऑफ जीनोटाइप, परसेंटेज नंबर नहीं परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ जीनोटाइप, हाँ जीनोटाइप देख देख जाओ परसेंटेज ऑफ जीनोटाइप है ना इन आपको है ना, आपको एफ टू जनरेशन ऑफ इन आपको लिखा परसेंटेज जीनोटाइप ऑफ है ना आपको हाइब्रिड, हाइब्रिड हाइब्रिड है ना आपको नेचर, हाइब्रिड नेचर है ना, हाइब्रिड नेचर प्लांट, हाइब्रिड नेचर प्लांट, नेचर प्लांट है ना एट एफ टू जनरेशन है ना, एट एफ टू जनरेशन समझा है, इसका हिंदी बोल देते हैं, एक ऐसा प्लांट है जिसमें 1200 सीड बना है ना, और 1200 सीड एफ टू जनरेशन में बना है ठीक है, उसका एफ वन जनरेशन का जो पेरेंट था ना, मतलब शुरुआत में यहाँ पे पेरेंट देख रहे थे पहले लिखे थे ना यहाँ पे, इसके ऊपर में था ना कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी, दोनों क्रॉस किए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो पेरेंट देख रही हो वो क्या था ये था है ना, तो एफ टू जनरेशन तक ले जाना है, तो जितने यही सवाल हो गया ना, और इसमें आपसे पूछ रहे हैं परसेंटेज ऑफ जीनोटाइप पूछ रहे हैं, अब बहुत बच्चा पहले ऑप्शन देखा नहीं या 600 पे मार देगा टी है ना, 50% ना परसेंटेज पूछा था 50% ना होगा, पहले बड़ा 600% लिख देगा है ना, तीसरा ऑप्शन लिख देगा 25% और चौथा ऑप्शन है 9 कितना हो जाए 75% चौथा ऑप्शन, समझा है क्वेश्चन, नहीं देखो ना यहाँ दो है ना, चार में कितना बना है, दो बन रहा है ना तो 50 ना होगा, ठीक है जी, चार में से कितना बना रही है, दो बना रही है तो 50% ना बना, हाइब्रिड का मतलब है ना, हाइब्रिड मतलब ये ना है कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड है ना, है ना पहला जनरेशन क्या था हाइब्रिड बना, फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट फिलियल हाइब्रिड प्लांट है ना कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर तो ये परसेंटेज पूछ रहा है, ये ध्यान है, छोटा छोटा क्वेश्चन नीट का अभी है, ये तुमसे गलत करवा लेगा ठीक है क्वेश्चन को है ना, यानी कि जाओगे तुम जोश में, जैसे पिछले साल नहीं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का नहीं बना के दे दिया था, बट बहुत ज्यादा गलत कर लिया था, हेलिकेज मार के आया था ठीक है ना जी, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन सब ध्यान दीजिएगा, इसमें 50% टिक होगा सही सही में आ रहा है, जब कहना चाहे डाटा नहीं पूछे, अब यही उसका बोल दे व्हाट विल बी द लिखा आपको नंबर ऑफ है ना, व्हाट विल बी द आपको नंबर, नंबर टाइप है ना, नंबर टाइप ऑफ नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ जीनोटाइप है ना, नंबर ऑफ जीनोटाइप है ना, नंबर ऑफ जीनोटाइप ठीक है, मतलब कितने नंबर में आएंगे, तो 600 हो जाएगा तब ठीक है, परसेंटेज हटना पड़ेगा है ना, क्या कैसे है ना, हाइब्रिड नहीं हाइब्रिड टाइप बोल रहे हैं ना, हाइब्रिड नेचर वाला, हाइब्रिड नेचर क्या मिक्सिंग हो ना कैपिटल टी स्मॉल टी का मिक्सिंग ना, 1200 टोटल सीड बना है ना, हाँ तो 1200 टोटल सीड में से कितना चांस प्रोबेबिलिटी का है ना, विल लगा ही दिए ना, समझा ना क्लियर ना जी, हम एग्जैक्ट थोड़े बता सकते हैं, चांस कितना है इसका ज्यादा है ना, चांस देख रहे हैं ठीक है, पहले पर जिम करना चाहे, अब बनने का कुछ भी है ठीक है, लेकिन आएगा तो ये है ना, चले जी एक मिनट इसको फिर दूसरा देखें है ना, देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे है ना, एक प्लांट है ना, इफ ए प्लांट प्रोड्यूस, प्लांट है ना प्रोड्यूस
ना आपको 100 सीड बिना पेन चलाए बनाना, प्रोड्यूस 100 सीड है ना, है ना, इन विच है ना, लिखा आपको है ना, 50 आर टॉल है ना, एंड 50 आर ड्वार्फ है ना, देन what will be the genotype of parent है ना, genotype of parent क्वेश्चन समझ आया कि अगर एक पेरेंट कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी उसके पेरेंट्स का कितना जीनोटाइप होगा वो बताना है, समझा जी, यानी पेरेंट का कैसा नेचर होगा। पहला ऑप्शन है दोनों कैपिटल टी होगा है ना, लड़का लड़की दोनों कैपिटल टी होगा। दूसरा ऑप्शन है कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, इधर क्या होगा स्मॉल टी होगा। तीसरा ऑप्शन है ना दोनों स्मॉल टी होगा। चौथा ऑप्शन है एक कैपिटल टी होगा, क्वेश्चन समझ आया है ना जी। उसके बच्चे है ना आपको नहीं की आवाज आ रहा है, किसे क्वेश्चन है, कौन है जी, हेलो कौन हो, हेलो क्वेश्चन पूछो ना जी, हेलो कौन है, वो टाइम ऑफ नहीं, हेलो देख लेते हैं, जा रहा बस आवाज जा रहा है, तो तू लोग वहां से आ रहा है आवाज, वहां से आता है ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा है ना, इसका आंसर होगा आपको है ना, इसका आंसर होगा कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। कैसे हम निकाल लिए, देखिए हमको यहाँ पे अगर इसको क्रॉस कराएंगे तो सब बच्चा टॉले बनेगा, तो कभी 50-50 ना आ सकता है। इसको क्रॉस कराओगे तो सब बच्चा डॉल से बनेगा, ये भी नहीं आ सकता है। ये क्रॉस कराओगे तो सर 25% टॉल आएगा, 75% टॉल आएगा और 25% क्या होगा ड्वार्फ है, अभी नहीं 3:1 ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, डिटो क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट करके डाल रहा है, लेकिन इसमें देखिएगा तो 50% टॉल आएगा, करके देख लो है ना। इस दोनों क्रॉस कराएंगे तो क्या इधर गैमेट बनाओगी ना, तो इधर एक ही लेंगे ना, जब दोनों सेम रहता है तो एक ही गैमेट लेते हैं जी, ठीक है, दोनों तरफ से सेम टू सेम आएगा। देख लो इसको लोगे तो क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको लेंगे तो सर क्या होगा स्मॉल टी स्मॉल, 1:1 का रेशियो इसमें आ रहा ना, 50-50 आ जाएगा। क्या लगा दिमाग क्या बोल रहे हैं, चलो इसको मिटावे। एक क्वेश्चन और देखो इसी पे है ना, इफ ए पेरेंट सो प्योर लाइन देन at what stage pure line form not seen, माँ बाप प्योर है, कैपिटल टी है, ये है, तो कौन से स्टेज में प्योर लाइन नहीं दिखाई देगा, at what stage pure line not seen F1 में आ गया ना। पहला ऑप्शन है F1 जनरेशन, दूसरा ऑप्शन है F2 जनरेशन, तीसरा ऑप्शन है F3 जनरेशन, चौथा ऑप्शन है आपको F4 जनरेशन है ना जी। कौन होगा जी, इसका ये नहीं होगा, पहला स्टेज में तो हाइब्रिड बनेगा ना, कैपिटल टी होगी है ना, ये केस में क्या होगा सर, हाइब्रिड है, प्योर लाइन आपको अल्टरनेटिव फॉर्म लिख देते हैं, प्योर लाइन ऑफ अल्टरनेट फॉर्म है ना, तो ये जो होगा इसके हिसाब से क्या बदल जाएगा ना। लग रहा है जी दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं, ये सब बात समझा है जी, क्या बोलना चाहिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस गया दिमाग में है ना। उसके बाद देखिए है ना, आपसे कोई पूछ देगा है ना कि मोनोहाइब्रिड है ना, मोनोहाइब्रिड किस तरह का प्रोसेस है, मोनोहाइब्रिड है ना एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, मेंडल ने है ना इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन के जरिए बनाया था, ठीक है, क्वेश्चन वही वैलिड है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड एक प्रकार का बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, जिसमें उसने क्या लिया था, एक कैपिटल टी लिया था, इधर से क्या लिया था आपको स्मॉल टी लिया था, ठीक है, पहले पर आजम क्या होता है, ठीक है, और है ना इसमें हम लोग क्या देखे थे, कैपिटल टी इधर से क्या आपको स्मॉल टी है जी, ठीक है। मेंडल कहा था इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, ax + by है ना, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है ax + by। यहाँ पे ए क्या बता रहा है, बी क्या बता रहा है, ठीक है, ए बता रहा है सर आपको किसको, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील को बता रहा है, ठीक है, का क्या ताकत है, जैसे हम कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे, तो इसका यहाँ पे 1 होगा ना, ये उसका क्या फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ना, लग रहा है दिमाग करना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल टी यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका 1 है, एलील का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लग रहा है दिमाग करना चाहिए, ए और बी यहाँ हुआ, और यहाँ भी वही बात होगा ना,
एक्स वाई क्या फॉर्म ऑफ अलील है जी, फॉर्म ऑफ अलील है सर, फॉर्म ऑफ अलील है जी, समझ में आ जाएगा तुम लोग को है ना सर, मिटाते तब देखते ये सब गया कि इसको फिर अच्छे से बच्चा 12 जैसे समझाए, 12 बच्चा को जैसे समझाते हैं फिर क्रॉस करके सिखाएं कि क्रॉस करके दिखाओ ये सब ऐसे क्रॉस होता है ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं हार्ड वाला भी देंगे, देखिए है ना मेंडल यूज है ना, मेंडल ने क्या यूज किया था, मेंडल यूज है ना बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसने आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज किया था, मेंडल ने कौन सा टॉपिक लिया था है ना बाइनोमियल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिया था जी ठीक है। मेंडल जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिया था ना तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में है ना उसने क्या किया था, आपको एक फॉर्मूला यूज किया था ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मूला यूज किया था है ना फॉर वन साइड के लिए है ना, इधर दूसरे साइड के लिए भी क्या लिया था आपको ए एक्स प्लस बी वाई लिया था है ना। अब यहाँ पे ए और बी क्या है तुम लोग यही रटोगी, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन अगर पूछेगा ना तो ए और बी का मतलब पूछेगा, ए और बी का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील है, हम समझाएंगे कैसे यूज होता है फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील है ठीक है। और दूसरा जो देख रहे हैं एक्स और वाई जो देख रहे हैं ये क्या सर फ्रीक्वेंसी ऑफ है ना, आपको लिखा सॉरी एलील फॉर्म ऑफ एलील है, फॉर्म ऑफ जीन या फॉर्म ऑफ एलील है, फॉर्म ऑफ जीन है जी ठीक है, पहले पढ़ा जी क्या होना चाहिए फॉर्म ऑफ जीन, या इसी को तुम एलील या फैक्टर भी बोल सकती हो है ना, एलील या फैक्टर है ना जी, क्लियर हो जाए क्या लगता है आपको, फैक्टर की अवस्था पूछता है आएगा मतलब नहीं समझ पा रही हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी का बात होगा इसमें, इसमें 1 2 3 4 में डाटा होगा जी ठीक है समझा ना, या फ्रैक्शन में डाटा होगा जी ठीक है, डाटा फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना, या 1 2 3 4 के फॉर्म में भी यहाँ पे डाटा हो सकता है नहीं समझे तो देखो मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे एक ऐसा है जी कैपिटल टी स्मॉल टी है और यहाँ पे भी क्या कैपिटल टी स्मॉल टी है, हम तुमको बोले बाइनोमियली प्रूफ करो कि ये 3:1 का रेशियो आता है या 1:1 का रेशियो आता है, क्वेश्चन समझाया हमको बाइनोमियली प्रूफ करना है, ऐसे नहीं बनाना आप लोगों को, गैमिट बनाएंगे सर और गैमिट बना करके ऐसे मिलाओगे तो इसको हो गया सर नॉर्मल बात हो गया, ये मेंडल नहीं बोला था, मेंडल मैथ का आदमी था, मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया था है ना, जैसे आप लोग पॉलीनोमियल बाइनोमियल सब पढ़ते हैं ना तो वैसे यहाँ पे इसने आपको है ना बाइनोमियल एक्सप्रेशन की मदद से इसको प्रूफ किया था, उसने इसके नीचे में ए एक्स प्लस बी वाई लिखा, कॉपी कागज पे आपको ए एक्स प्लस बी वाई इसके लिए लिखा है ना, और इसके लिए भी क्या लिखा था आपको ए एक्स प्लस क्या था आपको बी वाई लिखा था ठीक है, ये दोनों आपको क्रॉस में लाया था वो ठीक है, संदर्भ रजन क्या लगता है। अब ए एक्स बी वाई यहाँ पे सर इसके लिए है ना, ए एक्स बी वाई इसके लिए होगा और ये एक्स बी वाई इसके लिए होगा सर, अभी तक नहीं समझ पा रहे तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, रुको पेन नहीं चलाओ रुको अभी देखा लिखो इसको है ना, देखो लिखा हुआ एनसीईआरटी में कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी पहले क्या बनाओगी गैमिट बनाओगी ना, यहाँ पे गैमिट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और एक क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी होगा जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद क्या होगा है ना कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया था, देखो तुम लोग को खुद दिमाग लगाओ यहाँ पे कुछ नहीं सर इसका मैं वन मानते हैं हम लोग, जब ये तोड़ोगी तो आधा हो गया ना 50% हो जाए ना तब ये आगे जाके फिर वन होगा, और यहाँ पे इसका मतलब क्या अल्टीमेटली 1/2 आ गया है ना, जिसके लिए गैमिट आधा हो जाता है ना, आधा मतलब क्या 50% हो जाएगा, इधर भी तो वही बात होगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा, अब इससे फॉर्मूला बदल देते हैं कन्फ्यूजन कब रहेगा, ax प्लस बी वाई यहाँ लिखेंगे हम लोग ax प्लस बी वाई है ना, और इधर भी क्या हो जाएगा सर ax प्लस बी वाई हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या है सर, ये इसको बता रहा है, पहले पढ़ा फ्रीक्वेंसी नहीं बोले थे, ए किसका फ्रीक्वेंसी होगा, इसका फ्रीक्वेंसी होगा है ना, और यहाँ बी जो है ना सर इसका फ्रीक्वेंसी होगा ठीक है, पहले पढ़ा जाएगा क्या लेता है, एक्स किसको बताएगा सर इसको बताएगा, और वाई किसको बताएगा सर आपको इसको बताएगा, सेम टू सेम इधर भी देख रही हो, ये इसको बताएगा ये इसको बताएगा ये इसको बताएगा और ये इसको बताएगा जी ठीक है। देखिए यहाँ पे एक स्टेप लिखते हैं, यहाँ पे एक जगह क्या लिखोगे 1/2, एक्स जगह क्या लिखोगे कैपिटल टी, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे आपको 1/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे स्मॉल टी, क्रॉस आपको बीच में क्या क्रॉस आ जाएगा, क्रॉस का सिंबल है तो क्रॉस आएगा ठीक है, और उसके बाद क्या होता है इधर भी वही चीज है तो वही चीज लिख देते हैं, प्लस क्या जाएगा सर आपको 1/2 स्मॉल टी, अब देखो दोनों तब सेम है तो तुम लोग पढ़ी होगी जब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई ऐसे रहता है ना तो सुनो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मानते हैं ना जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मान सकते हो, नहीं मानोगे तो डायरेक्ट तुम मैच बनाओगी, इसको पहले किससे गुना करेंगे इसके साथ, फिर उसके बाद किससे गुना करते हैं इसके साथ है ना, यार जी सबको समझ में, इसको गुना करते हैं फिर इसको गुना, वही मैच है भाई, इसको हम लोग गुना करें किसके साथ, यहाँ ज्यादा यहाँ लिख देते ताकि कंफ्यूजन कम रहे है ना, यहाँ पे लिख रहे 1/2 है ना, 1/2 कैपिटल टी है ना आपको स्मॉल टी होता है 1/2 स्मॉल टी है ना, फिर इसका क्या मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी है ना जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, आप देखो ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं हम लोग ये वाला हिस्सा किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा है ना, ज्यादा जी बस में जब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या डायरेक्ट लिख दे 1/4 कैपिटल टी है ना जी, टी स्क्वायर भी लिख सकते हो तुम्हारी मर्जी तो टी स्क्वायर लिखो, टी स्क्वायर अच्छा नहीं लगता सर, टी स्क्वायर मेंडल ने कभी नहीं बोला कैपिटल टी लिखता था ना वो, अरे बस में फिर ये इसके साथ भी तो जाता, यहाँ भी क्या होता 1/4
कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। नाउ इसके साथ करो तो इसके अलग क्या 1/4 है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। देखो ये दोनों सेम फैक्टर में तो जोड़ देंगे ना, 1/4 है ना, एक मिनट रिमेनिंग है ठीक है। अच्छा हम फिर से ज्वाइन कर लें, जो भी आप ज्वाइन किए उसको फिर से ज्वाइन करना है ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझा रहा हूँ क्या बोला था ठीक है। उसके बाद जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1/4 कैपिटल टी प्लस क्या आ जाएगा 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस क्या आ जाएगा 1/4 स्मॉल टी। खुद बता दो कौन 50% होगा जी, ये 50% नहीं लग रहा, फील नहीं हो रहा है, एक में से 50% 1/2 का मतलब 50% होगा ना, ये क्या 25% होगा, ये क्या हो जाएगा 25% बात है, बस अंदाज अलग हो गया जी। बाइनोमियली ऐसे लिखते हैं, वैसे जो लिखते हैं पुनेट 1:1 का रेशियो लिखते हैं हम लोग, जा रहा बात में ना है तो अनिका